आई होप कि आप घूमने ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं हूँ मीरा दिवाला और मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। तो आज हम हिंदी में पढ़ेंगे शरीर के अंग, यानी कि गुजराती में शरीर ना अंगों। मैं आपको बताऊंगी कि हम जब भी उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, तो क्या हम ऐसे ही करते हैं? नहीं, हमारे शरीर के अंग जब कार्य करते हैं, वो जब हलन चलन करते हैं, तो हम उठ पाते हैं, बैठ पाते हैं, है ना? हाँ, तो ये जो हमारे शरीर के अंग है, उनकी जानकारी होना हमें बहुत जरूरी है। तो आज हम हिंदी में देखेंगे कि हमारे शरीर के कौन कौन से अंग को क्या कहते हैं और गुजराती में भी क्या कहते हैं। तो आइए हम शरीर के अंग की पहचान करते हैं। सिर, यानी कि गुजराती में माथू। हमारा ये जो भाग है वो सिर है और गुजराती में उसे माथू कहते हैं। बाल, यानी कि गुजराती में बाल। हमारे बाल को गुजराती में वाड़ कहते हैं। आंख, गुजराती में उसे आंख ही कहते हैं। हमारी ये जो दो आंखें हैं जिससे हम देख सकते हैं। यानी कि हमारे होठ, ये जो है वो होठ, जिसे गुजराती में होठ कहते हैं। अब है नाक, गुजराती में नाक को नाक भी कहते हैं। ये हमारी नाक जिससे हम सांस लेते हैं। उंगलियां,
रंग में आंसू। ये जो हमारी है वो जिसे गुजराती में आंगड़ियों कहते हैं। अंगूठा यानी कि गुजराती में अंगूठो, इसे अंगूठा कहते हैं हिंदी में और गुजराती में अंगूठो कहते हैं। पेट, उसे गुजराती में पेटी कहते हैं। हमारे सीने की नीचे की जगह को पेट कहते हैं और गुजराती में भी उसे पेट कहते हैं। आपको एक बार अपने नोटबुक में लिखना है और पढ़ना है।